नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम चर्चा करते हैं NMC का जो बिल आया था उसके रिगार्डिंग। जैसा कि उस बिल में काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी और वो होनी भी चाहिए, उसके अलावा एक अलग से इन्फॉर्मेशन थी कि जो स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया से MBBS करेगा उसको जो पहले MCI के नाम से एग्ज़ाम होता था उस एग्ज़ाम को चेंज करके नेस्ट नाम कर दिया, नेशनल एग्जिट टेस्ट, वो एग्ज़ाम सभी स्टूडेंट्स को देना है। दोस्तों ये पहले भी था, अब भी था, लेकिन इसमें नया रूल ये आया कि ये पास करने के लिए पहले आपको अनलिमिटेड चांस थे, आप एक साल में दो बार एग्ज़ाम होता रहता था, लाइफ टाइम आप एग्ज़ाम दे सकते थे। लेकिन अभी ऐसा कर दिया गया है कि वो केवल आप 2 ईयर के अंदर आपको एग्ज़ाम पास करना है और आपको किसी भी हालत में वो पास करना ही पड़ेगा। अगर आप वो एग्ज़ाम किसी भी विपरीत परिस्थिति की वजह से पास नहीं कर पाते हो दोस्तों, तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी, ना ही आप किसी भी हॉस्पिटल में या फिर अपने होम क्लिनिक पर प्रैक्टिस कर पाओगे। तो दोस्तों ये डिसीजन मुझे या खुद मैं कजाकिस्तान से MBBS कर रहा हूँ एज ए स्टूडेंट हूँ, काफ़ी बड़ी फ्रेंड सर्किल है, काफ़ी स्टूडेंट से मिलना जुलना है, तो सबका ओपिनियन लेने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि सारे स्टूडेंट डिसीजन से परेशान हैं और काफ़ी पेरेंट्सों को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 2 अटैम्प्ट में अगर उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता तो उनके तो सारे सोर्स ही ख़त्म हो जाएंगे, उनका फ्यूचर ही बर्बाद हो जाएगा, फिर काफ़ी स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया नहीं जा पाएंगे, तो एक तरीके से पूरा मार्केट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। स्टूडेंट्स चलो ये मान रहा हूँ अगर उन्होंने कुछ सोचा होगा तो अच्छा सोचा होगा, लेकिन इसी के ऊपर मैं अपना एक तर्क रखना चाहता हूँ कि अभी कल प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऑनलाइन आए और उन्होंने इस पर कोरोना की जो देश में स्थिति चल रही है इसको मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी अपने ओपिनियन रखे, साथ ही उन्होंने एक विशेष कारण रखा, उसको मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। उन्होंने अभी ये अनाउंस किया है कि देश में स्थिति बिगड़ती जा रही है, समय पे ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो रही, सिलेंडर्स की कमी है, डॉक्टरों के अभाव में काफ़ी पेशेंट मर रहे हैं, बेड्स फुल हो गए, हॉस्पिटलों में वो सिस्टमेटिक बात नहीं, तो सभी मुद्दों पे उन्होंने बात की। एक मुद्दा वो ये लेके आए कि जो स्टूडेंट अभी 5th ईयर में या फिर पास आउट होने वाले हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के हों, चाहे वो नर्सिंग, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग या जिस भी डिपार्टमेंट आप मेडिकल से जुड़े हुए हो, आप सभी को मेडिकल हॉस्पिटल में ड्यूटी देनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिटिकल स्थिति है, डॉक्टरों के कंट्रोल में नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं काफ़ी हमारे देश में ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी जस्ट पास आउट होने वाले हैं या हो चुके, वो अभी बेरोज़गार बैठे हुए हैं, तो उनको रोज़गार दिया जा रहा है और इस स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स मैं अभी बता देता हूँ, अभी भी कोरोना उस स्थिति पर नहीं पहुँचा है, अभी भी चरम स्थिति पर पहुँचने में काफ़ी समय है। तब जब उस स्थिति पर नहीं पहुँचता तब आपको डॉक्टर्स की कमी है, तब आप ये एज ए मेडिकल स्टूडेंटों को अगर उस पर लगा रहे हो, अगर फ्यूचर में कभी कोई ऐसी बीमारी आ जाती है या फिर यही महामारी अपने चरम स्थिति पर पहुँच जाती है और तुम्हें पता है प्रकृति बदलती जा रही है और इसके पीछे आप और हम सभी इसके जिम्मेदार हैं, पूरा सिस्टम ख़राब कर दिया है, अगर फ्यूचर में ऐसी कोई स्थिति आई तो आप डॉक्टर्स लेके कहाँ से आओगे? आप जो डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं उनसे भी उनका वो छीन रहे हो, तो फिर वो डॉक्टर की स्थिति, जब ये छोटी सी बीमारी जो अभी चरम स्थिति पर नहीं पहुंची उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे इंडिया के डॉक्टर, तो फ्यूचर में कोई बड़ी वो आ गई विपदा उसको कैसे कंट्रोल कर पाओगे? तो अगर इंडिया में जैसे माना कि 60 से 70 हज़ार सीटें अभी इंडिया में हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि इससे ज़्यादा डॉक्टर तो वो किसी भी हालत में बना नहीं सकते, एक मेडिकल कॉलेज में जितनी सीटें केवल आप वो ही भर पाओगे। एक डॉक्टर बनाने का एक उपयुक्त विकल्प था कि आप आउट ऑफ इंडिया से MBBS करके आओ, अपना MCI का एग्ज़ाम दो, 50% बनाओ, एज ए आप डॉक्टर हो और इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये डॉक्टर्स की वृद्धि के लिए इंडिया में एक बहुत अच्छा उपयुक्त विकल्प था। और आप इस विकल्प को ख़त्म करके डॉक्टर्स की जो संख्या हमारे देश में कमी थी उसको और समाप्त कर देना चाह रहे हो। तो दोस्तों ये जो डिसीजन अगर NMC या कोई भी बोर्ड ले रहा है तो बहुत ही गलत है। और देखो इंडिया में MBBS करना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा एक अलग ही सिस्टम है, या तो आप उस लेवल के इंटेलिजेंट हो गवर्नमेंट सीट निकालें या फिर आपके पास इतना बेहतरीन पैसा हो कि आप वो सीट पैसे से खरीद सकें या एडमिशन ले सकें। अब हर फैमिली तो ऐसी है नहीं कि वो पैसा अफोर्ड कर सके या फिर वो सीट निकाल सके, लेकिन मध्यम वर्गीय के कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो उनके पास ये विकल्प था, प्लीज़ आप उस विकल्प को ना छीने उनसे, और उनको भी अगर डॉक्टर बनने का उन्होंने या उनके पेरेंट्स ने एक सपना देखा है उस सपने को आप पे ना रोकें। दोस्तों आपके द्वारा ये NMC ने जो बिल जारी किया, हो सकता है स्टूडेंट्स की भलाई में कदम हो सकता है वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे एंगल से आप सोचो तो हमें उसमें कुछ अच्छा ही नज़र नहीं आ रही है, हमें सिर्फ बुराई नज़र आ रही है। और आने वाले जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ इंडिया जाएंगे उनका मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से जाना आप बैन कर देना चाह रहे हो, अगर आपको जाने पे पाबंदी लगानी है तो इस रूल्स ना बनाओ, डायरेक्ट ये बोल दो कि स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया नहीं जाएंगे। और फिर दूसरी बात, अगर आपको बैन ही लगाना है तो इंडिया के प्राइवेट कॉलेजों पर भी ये 2 अटैम्प्ट का रूल्स जारी करो, क्योंकि इंडिया के प्राइवेट कॉलेजों में भी वही स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं जो जस्ट ये क्वालिफाइड हैं,
वो इतने इंटेलिजेंट नहीं है, और बाहर भी आपने एक रूल बना दिया कि बाहर वो स्टूडेंट जाएंगे जो नीट क्वालिफाइड हैं। तो जब दोनों ही सिमिलर हैं तो आप बाहर वालों को केवल दो अटैम्प्ट क्यों, और जो इंडिया के प्राइवेट कॉलेजों से MBBS कर रहे हैं उनके लिए लाइफ टाइम अटैम्प्ट क्यों? मतलब कोई ऐसा आप वैज्ञानिक कारण तो रखिए, एक ऐसा कोई विचार बताइए कि जिससे ऐसा लगे हाँ आपने जो डिसीजन लिया है वास्तव में बहुत परफेक्ट डिसीजन और हम भी आपके साथ हैं। आप दे नहीं रहे, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि आप किसी के दबाव में आके, आप किसी के प्रेशर में आके, आप पे कोई पैसे का लालच या कुछ भी XYZ कारण बता के ये डिसीजन लेवाया जा रहा है। तो प्लीज़ आप चंद पैसों के लिए या फिर आप किसी के प्रेशर में आके या फिर व्यक्तिगत कारणों को देखते हुए हज़ारों बच्चों का भविष्य खराब ना करें। दोस्तों ऑलरेडी आउट ऑफ इंडिया इतने ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या फिर वो इतने वेल इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं जाते, बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट जाते हैं। उल्टा आपको तो उनको प्रोत्साहन करना चाहिए क्योंकि उनका पैसा भी खर्च हो गया, उसके बाद वो करेंगे क्या। तो उल्टा आपको तो उनके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाने चाहिए और कट ऑफ को और भी कम कर देना चाहिए। आप तो उनको मौके देने के बजाय उनके मौके छीनना चाह रहे हो, उनको फिर वो करेंगे क्या, वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे। और यहाँ प्राइवेट कॉलेज वालों का क्या है, अभी 1 करोड़ रुपए फीस ले रहे हैं ना, ये अगले साल 2 करोड़ हो जाएगी, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट MBBS करना चाह रहा है उसके पास विकल्प है और उस पर गवर्नमेंट सीट निकल नहीं रही, 3-4 साल उसने नीट की तैयारी कर ली नहीं हुआ और उसको डॉक्टर बनना है, तो ये प्राइवेट कॉलेज उस पैसे को डबल कर देंगे और वो स्टूडेंट और वो गरीब फैमिली वाले जिन्होंने सपने देखे वो वहीं के वहीं अपने सपनों को अपने अंदर छुपा लेगा और वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। तो मत इस डिसीजन को आप दोस्तों बंद कीजिए NMC वालों, और आप इस डिसीजन को बंद करने के बाद प्राइवेट कॉलेजों को उस चरम सीमा पे पहुंचा देंगे जिन कॉलेजों की आज 15-15 लाख रुपए फीस है। आपका ये डिसीजन करने से उन कॉलेजों की अगली साल से देख लेना 25-25 लाख रुपए फीस हो जाएगी और एक अमीर बाप के औलाद ही उस कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। और तुम्हें पता है जिसने शुरुआत से ही अमीरी देखी है फिर भी बाहर जाने वाला एक गरीब परिवार का एवरेज परिवार का होता है तो उसने शुरुआत से ही गरीबी देखी है तो वो उल्टा अच्छे से मेहनत करेगा। लेकिन जो पैदा ही अमीर परिवार में हुए उन्होंने ज़िंदगी में ना उतार चढ़ाव देखे ना उन्होंने स्ट्रगल देखा तो वो और अच्छे से मेहनत भी नहीं कर पाएंगे। तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरीके से देखा जाए तो अपना नुकसान कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, चाहे वो NMC हो, चाहे WHO हो, चाहे FMG हो, चाहे मेडिकल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, प्लीज़ आप इस डिसीजन पर विचार करें और अपना डिसीजन को मार्केट में भी लॉन्च ना करें, ना इस पर आप मोहर लगाएं। हालांकि काफ़ी स्टूडेंट हाई कोर्ट जा चुके हैं, अगर हाई कोर्ट भी इस डिसीजन के पक्ष में नहीं आया तो फिर स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, काफ़ी लंबी लड़ाई चलेगी। तो ऐसी नौबत ही ना आए, इससे अच्छा आप इस डिसीजन को यहीं कैंसिल कर दें और स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ इंडिया से MBBS कर रहे हैं उनके हित में डिसीजन देके उनका उत्साह बढ़ाएं और बल्कि उनके फेवर में कुछ ऐसा काम करें कि वो और अच्छे से अच्छे डॉक्टर बनके इस देश के काम आ सकें। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाई है कि प्लीज़ काफ़ी परेशान हैं और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेडिकल से नहीं है, हालांकि उनको मेरी बात नॉर्मल लग सकती है, लेकिन जो स्टूडेंट आउट ऑफ इंडिया से MBBS कर रहे हैं वो मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, उनको मेरी कही हुई एक एक बात बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, क्योंकि मैं ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, ये उन हज़ारों लाखों स्टूडेंटों की आवाज़ है जो आउट ऑफ इंडिया से MBBS कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में जाने वाले हैं। तो प्लीज़ आप मेरी बात को ध्यान से सुने और इस पर बहुत ही अच्छा डिसीजन लें और स्टूडेंट को आने वाले भविष्य में उनका भविष्य उज्ज्वल बनाएँ। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।